हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ 5। लास्ट लेक्चर तक हमने मैट्रिक्स ओवर कर दिया था और आज हम स्टार्ट करेंगे डिटरमिनेंट्स। सो डिटरमिनेंट होता क्या है? हर स्क्वायर मैट्रिक्स है वो एक एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स अटैच्ड टू ए डेफिनेट वैल्यू। हर स्क्वायर मैट्रिक्स एक डेफिनेट वैल्यू साथ अटैच्ड होते हैं, उसी को हम बोलते हैं डिटरमिनेंट। सो एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स is attached to a definite value which is called determinant। So इससे हमें एक और बात पता चलती है कि जो डिटरमिनेंट होता है वो सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए पॉसिबल होता है। सो डिटरमिनेंट इज पॉसिबल ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स। डिटरमिनेंट सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए पॉसिबल है। अब हम देखते हैं डिटरमिनेंट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। डिटरमिनेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा देन। मान लो हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए है और उसका हमें निकालना है, तो हम लिखेंगे डी टी ए या फिर डी ऑफ कैपिटल ए, या फिर एक और तरीका है इसे हम लिख सकते हैं सिंपल ऐसे। और यहां पे जो मैंने दो लाइन खड़ी की इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं। सो इन तरीकों से हम डिटरमिनेंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट में डिफरेंस क्या है, आप इसे नोट कर लीजिए तब तक। सो बेसिकली डिटरमिनेंट क्या है? हर स्क्वायर मैट्रिक्स एक डेफिनेट वैल्यू के साथ अटैच्ड होती है, उसे ही बोलते हैं डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए पॉसिबल है। और तीसरी चीज, डिटरमिनेंट को रिप्रेजेंट हम डेल्टा के साइन से कर सकते हैं या डीटी डीईटी ए लिख सकते हैं। सो अब हम बात करते हैं मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट में डिफरेंस क्या है। सो मैट्रिक्स है वो हमारी किसी पर्टिकुलर वैल्यू से अटैच नहीं होता था, मतलब मैट्रिक्स की कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं होती थी, जबकि डिटरमिनेंट की एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है। मैट्रिक्स भी एक अरेंजमेंट था, डिटरमिनेंट भी एक अरेंजमेंट है, लेकिन मैट्रिक्स की कोई डेफिनेट वैल्यू नहीं होती थी और डिटरमिनेंट की एक डेफिनेट वैल्यू होती है। सो बेसिकली व्हाट मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट आर अरेंजमेंट आर अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन रेक्टेंगुलर फॉर्म ठीक है, बट मैट्रिक्स डजंट हैव ए डेफिनेट वैल्यू व्हाइल डिटरमिनेंट इज अटैच्ड विथ ए डेफिनेट वैल्यू ठीक है। ये तो हम हमारा पहला डिफरेंस। अब हम चलते हैं दूसरे डिफरेंस पे। मान लो हमारे पास कोई मैट्रिक्स दे रखी है ए, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है मैट्रिक्स। अगर हम इस मैट्रिक्स को करें के टाइम्स ए, अगर हम इसको करें के टाइम्स ए, तो इस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट होंगे वो के से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, जबकि डिटरमिनेंट के केस में ऐसा नहीं है। मान लो हमारे पास कोई डिटरमिनेंट दे रखा है बी, अगर हम इस डिटरमिनेंट का के टाइम्स करेंगे, अगर हम इस डिटरमिनेंट का के टाइम्स करेंगे, के भी करेंगे,
तो क्या इसका हर एलिमेंट के से मल्टीप्लाई हो जाएगा? नहीं होगा, या तो किसी पर्टिकुलर रो का, या तो किसी पर्टिकुलर रो के हर एलिमेंट के से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, या फिर पर्टिकुलर कॉलम के हर एलिमेंट के से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। सो या तो ये ऐसे हो सकता है, या फिर अगर हम इसे के टाइम्स बी करें, सो ये ऐसे हो सकता है, या ये ऐसे हो सकता है, या फिर ये ऐसे हो सकता है, मैट्रिक्स में अगर हम किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो मैट्रिक्स का हर एलिमेंट होगा वो के से मल्टीप्लाई हो जाएगा। लेकिन डिटरमिनेंट के केस में अगर हम डिटरमिनेंट का स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो किसी पर्टिकुलर रो या फिर पर्टिकुलर कॉलम का हर एलिमेंट ही के से मल्टीप्लाई होगा, सारे एलिमेंट्स के से मल्टीप्लाई नहीं होंगे। सो मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट में बेसिकली दो डिफरेंस है। सो आप इसे नोट करो, फिर हम आगे चलते हैं। सो हमने बात कर ली मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट के बीच के डिफरेंस की। अब हम बात करते हैं मैट्रिक्स को डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालते कैसे हैं, इवोल्यूशन ऑफ डिटरमिनेंट। इवोल्यूशन या फिर एक्सपेंशन ऑफ डिटरमिनेंट। हमारे सिलेबस में जो डिटरमिनेंट है वो क्या है, वो सिर्फ दो तरह के ही है। पहला तो है 2x2 स्क्वायर मैट्रिक्स का, और जो दूसरा है वो है 3x3 स्क्वायर मैट्रिक्स का। सो हमारे सिलेबस में दो तरह के डिटरमिनेंट का एक्सपेंशन, सबसे पहले 2x2 स्क्वायर मैट्रिक्स और दूसरे 3x3 स्क्वायर मैट्रिक्स के। हमारे सिलेबस में दो ही डिटरमिनेंट का एक्सपेंशन है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं 2x2 स्क्वायर मैट्रिक्स। सो स्टार्ट करते हैं हम 2x2 स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ। मान लो हमारे पास ये कोई डिटरमिनेंट दे रखा है, अब हमें इसे इवेल्युएट करना है, ये कौन सी स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, ये होगी हमारे पास 2x2 स्क्वायर मैट्रिक्स का, हमें डिटरमिनेंट फाइंड करना है। सो ये जो होगी इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, AD माइनस BC। अब अगर हमें 3x3 स्क्वायर मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम कैसे करेंगे, मान लो ये हमारे पास हो गए लेटर्स, कुछ ज्यादा छोटे तो नहीं हो गए, नहीं। अब अगर हमें 3x3 स्क्वायर मैट्रिक्स की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम कैसे करेंगे, तो हम करेंगे हम इस रो से एक्सपेंड करेंगे, और इसी रो से एक्सपेंड करना हमेशा ज्यादा अच्छा होता है, गलती होने के चांस बहुत ज्यादा कम होते हैं। सो हम इसी रो से एक्सपेंड करेंगे A1 B2 C3 माइनस B3 C2। अब हम लगाएंगे माइनस A2, फिर हम क्या करेंगे, A2 वाली रो को छोड़ देंगे और A2 वाले कॉलम को भी छोड़ देंगे, A2 के कॉलम को छोड़ देंगे और A2 वाले रो को भी छोड़ देंगे, और बाकी एलिमेंट्स का हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, B1 C3 माइनस B3 C1। अब हम लगाएंगे प्लस का साइन और करेंगे A3। अब हम क्या करेंगे, A3 वाले कॉलम को छोड़ देंगे और A3 वाले रो को छोड़ देंगे और करेंगे इनका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो हमारे पास क्या आएगा, B1 C2 माइनस B2 C1। अब आप लोग बोलोगे कि इसको आपने एक्सपेंड किया कैसे, इसका जो रीजन आएगा वो आएगा हमारा अगला टॉपिक, जो कि होगा माइनर एंड को फैक्टर्स।
सो 2 क्रॉस 2 स्क्वायर मैट्रिक्स को हम एक्सपेंड कर सकते हैं ऐसे एबी माइनस बीसी, और 3 क्रॉस 3 स्क्वायर मैट्रिक्स को हम एक्सपेंड कैसे कर सकते हैं, हम कर सकते हैं A1 एलिमेंट लिख लेंगे, फिर A1 के कॉलम को छुपा लेंगे और A1 वाली रो को छुपा लेंगे, और इनका हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, फिर हम लगाएंगे नेगेटिव का साइन, और हम लिखेंगे A2 को, A2 की कॉलम को छुपा लेंगे, A2 की रो को छुपा लेंगे, और इनका करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। उसके बाद हम लगाएंगे प्लस का साइन और A3 को लिखेंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे A3 वाले कॉलम को छुपा लेंगे, A3 वाली रो को छुपा लेंगे, और इनका करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। सो इसे आप नोट करो। उसके बाद हम चलते हैं माइनस एंड कोफैक्टर्स पर। अब हम स्टार्ट करते हैं माइनस एंड कोफैक्टर्स। मान लो हमारे पास दे रखी है कोई 3x3 की स्क्वायर मैट्रिक्स, और जिसका हमें डिटरमिनेंट निकालना होता है। सो हम 3x3 स्क्वायर मैट्रिक्स का एग्जांपल लेके माइनस एंड कोफैक्टर्स को समझते हैं। चलो एक जनरल नोटेशन ही लेके चलते पूरे टॉपिक्स में। A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3। अब जो माइनस होगा वो क्या होगा, अगर हम माइनस का लिखना चाहे तो इसका जो माइनर होगा वो होगा M11, इसका जो माइनर होगा वो होगा M12, इसका होगा M13। ये जो M11 है ये हमें क्या बता रहा है, माइनर ऑफ फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, M12 है वो हमें क्या बता रहा है, वो हमें बता रहा है माइनर ऑफ फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम। इसी तरीके से हम क्या लिख सकते हैं, हमारे पास कोई माइनर MIJ दे रखा है, उसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनर ऑफ ith रो एंड jth कॉलम। सो ये तो चीज आपको समझ में आ गई होगी, ये चीज तो हमने मैट्रिक्स में देख रखा है एलिमेंट्स के लिए कि A11 होता है वो होता है फर्स्ट रो का एलिमेंट, फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, aij होता है वो होता है ith रो का एलिमेंट, jth कॉलम का एलिमेंट। इसी तरह माइनस को भी लिख सकते हैं। अब मुझे स्पेस चाहिए होगी माइनस को डिफाइन करने के लिए, सो मैं इसे रफ कर रहा हूं। So, हमारे पास M11 का माइनर क्या आएगा, हमारे पास M11 का माइनर आएगा, इसको छुपा लो, इसको छुपा लो, हमारे पास क्या आ जाएगा माइनर, डिटरमिनेंट ऑफ B2, C2, B3, C3। सो इसको जब हम सॉल्व करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा, B2 C3 माइनस C2 B3। सो हमारे पास M11 क्या आ गया, माइनर ऑफ फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम के हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया। अब हम निकालते माइनर ऑफ 1 2, माइनर ऑफ 1 2, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इस कॉलम को छुपा लो, इस रो को छुपा लो, तो हमारे पास ये एलिमेंट्स बचेंगे, इन एलिमेंट्स का हमें क्या निकालना है, डिटरमिनेंट। सो B1 C1 B3 C3। सो हमारे पास क्या आ जाएगा, B1 C3 माइनस B3 C1। सो हमने निकाल ली M11 की वैल्यू, हमने निकाल ली M12 की वैल्यू। अब हम कैलकुलेट करते हैं M13 को। M13 क्या आ जाएगा हमारे पास, इस कॉलम को छुपा लो, इस रो को छुपा लो, बचे हुए एलिमेंट्स का डिटरमिनेंट निकाल लो। सो B1 C1 B2 C2, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, B1 C2 माइनस B2 C1। सो M11 निकाल दिया हमने, M12 निकाल दिया हमने, M13 निकाल दिया, ये माइनस आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम आगे चलते हैं, आगे हम बात करेंगे इसका जो माइनर होगा वो क्या होगा, M21
इसका एम टू टू, इसका एम टू थ्री। अब हम बात करते हैं माइनर ऑफ टू वन। माइनर ऑफ टू वन कैसे निकलेगा, माइनर ऑफ टू वन कैसे निकलेगा, इस कॉलम को छुपा लो, इस रो को छुपा लो, बचे हुए एलिमेंट्स का डिटरमिनेंट निकाल लो। सो एम टू वन की हमारे पास वैल्यू क्या जाएगी, इस कॉलम को छुपा लो, इस रो को छुपा लो, बचे हुए एलिमेंट्स का डिटरमिनेंट निकाल लो। सो हमारे पास क्या जाएगा, ए थ्रू ए टू ए थ्री सी टू सी थ्री। इसे हम सॉल्व करेंगे, हमारे पास क्या जाएगा, ए टू सी थ्री माइनस ए थ्री सी टू। अब हम निकालते हैं एम टू टू की वैल्यू। इस कॉलम को छुपा लो, इस रो को छुपा लो, बचे हुए एलिमेंट्स का डिटरमिनेंट निकाल लो। सो क्या आ जाएगा हमारे पास, ए वन सी वन ए थ्री सी थ्री। इसे हम सॉल्व करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, ए वन सी थ्री माइनस ए थ्री सी वन। आप लोग बोलोगे क्या मजदूरी वाला काम करा रहे हो, एक बार ये मजदूरी कर लो, अच्छा लगेगा आप लोगों को भी। माइनर ऑफ टू थ्री हम निकालेंगे, क्या कैसे निकालेंगे, इस कॉलम को छुपा लो, इस रो को छुपा लो, बचे हुए एलिमेंट्स का डिटरमिनेंट निकाल लो। सो बी वन बी टू सी वन सी टू का हमें डिटरमिनेंट निकालना है, बी वन बी टू सी वन सी टू। क्या आ जाएगा, बी वन सी टू बी टू सी वन। सो हमने ये माइनस भी कंप्लीट कर लिया, अब हम निकालते हैं बचे हुए माइनस। इसका माइनर क्या होगा, इसका माइनर होगा एम थ्री वन, इसका होगा एम थ्री टू, इसका होगा एम थ्री थ्री। हम निकालते हैं एम थ्री वन, हम क्या करेंगे, इस रो को छुपा लेंगे, इस कॉलम को छुपा लेंगे, बचे हुए एलिमेंट्स का डिटरमिनेंट निकाल लेंगे, ए टू ए थ्री बी टू बी थ्री। क्या आ जाएगा, ए टू बी थ्री माइनस ए थ्री बी टू। अब हम निकालते एम थ्री टू, एम थ्री टू हमारे पास क्या जाएगा, इस रो को छुपा लो, इस कॉलम को छुपा लो, बचे हुए एलिमेंट्स का डिटरमिनेंट निकाल लो, ए वन ए थ्री बी वन बी थ्री। क्या गया हमारे पास, ए वन बी थ्री माइनस ए थ्री बी वन। अब हम निकालते बी एम थ्री थ्री, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इस रो को छुपा लो, इस कॉलम को छुपा लो, बचे हुए एलिमेंट्स का डिटरमिनेंट निकाल लो, तो ए वन ए टू बी वन बी टू, ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन। अब आपने इतनी मजदूरी तो कर ली है, अब आपको एग्जाम्पल देके और मजदूरी कराने की कोई जरूरत नहीं है। सो आप इतना नोट करो, फिर हम आगे चलते हैं, आगे हम बात करेंगे कोफैक्टर्स की। तब हम बात करते हैं कोफैक्टर्स की। तो आपने इतने माइनस निकाल लिए, तो आपको कोफैक्टर्स में गधा मजदूरी करने की कोई जरूरत नहीं है। सो आप लिखिए कोफैक्टर्स, कोफैक्टर की डेफिनेशन क्या है, कोफैक्टर क्या कहता है, कोफैक्टर ऑफ आई जे इज इक्वल टू माइनस वन की पावर आई प्लस जे एम आई जे। ये है आपकी कोफैक्टर की मैथमेटिकल डेफिनेशन, कि जो सी आई जे होगा वो माइनस की माइनस वन की पावर आई प्लस जे एम आई जे होगा। मान लो आपको निकालना है कोफैक्टर ऑफ वन वन, वो क्या आ जाएगा, माइनस वन की पावर वन प्लस वन एम वन वन, जो आपके पास क्या आ जाएगा, एम वन वन के इक्वल आ जाएगा। सी की पावर सी वन टू क्या आ जाएगा, माइनस वन की पावर वन प्लस टू एम वन टू। ये क्या आ जाएगा आपके पास, माइनस वन की पावर थ्री क्या होगा, माइनस वन, सो माइनस एम वन टू। सी वन थ्री आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस वन की पावर वन प्लस थ्री एम वन थ्री,
माइनस वन की पावर फोर क्या होगा, वन होगा। सो ये क्या जाएगा हमारे आपके पास एम वन थ्री। सी वन फोर की वैल्यू माइनस वन की पावर वन प्लस फोर एम वन फोर क्या होता है, सॉरी सी टू वन की वैल्यू क्या जाएगी माइनस वन की पावर टू प्लस वन एम टू वन, ये क्या जाएगा माइनस एम टू वन। सी टू टू सी टू थ्री की वैल्यू क्या जाएगी आपके पास माइनस वन की पावर टू प्लस टू फोर माइनस वन की पावर टू प्लस थ्री फाइव एम टू टू एम टू थ्री, ये क्या आ गया आपके पास एम टू टू की इक्वल ये आपके पास आ गया एम टू थ्री आगे नेगेटिव का साइन। सो सी थ्री वन सी थ्री टू सी थ्री थ्री आपके पास क्या आ जाएगा एम थ्री वन एम थ्री टू एम थ्री थ्री। माइनस वन की पावर थ्री प्लस वन क्या होता है फोर होता है, माइनस वन की पावर फोर प्लस वन, माइनस वन की पावर फाइव माइनस, माइनस वन की पावर सिक्स प्लस। सो हमारे कोफैक्टर्स कंप्लीट हो गया, माइनस में हमने खूब सारी मजदूरी कर दी। हम आगे चलते हो बात करते हैं सेरेस रूल की। सेरेस रूल बेसिकली एक शॉर्ट ट्रिक है टू सॉल्व द डिटरमिनेंट। मान लो हमारे पास कोई डिटरमिनेंट दे रखा है ए वन ए टू ए थ्री बी वन सी वन बी टू सी टू बी थ्री सी थ्री। सेरेस रूल हमें क्या कहता है, सेरेस रूल हमें क्या कहता है कि ये जो डिटरमिनेंट है इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे ए वन ए टू ए थ्री बी वन बी टू बी थ्री सी वन सी टू सी थ्री, इनको हम जैसे कि तैसा लिख देंगे और जो पहली दो कॉलम्स होगी उसे हम इसके आगे लिख देंगे। और अब हम करेंगे इनका क्रॉस मल्टीप्लाई। इनका हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई और इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम करेंगे ऐड ए वन बी टू सी थ्री ए टू बी थ्री सी वन ए थ्री बी वन सी टू, फिर हम लगाएंगे माइनस का साइन। और अब हम करेंगे इनका क्रॉस मल्टीप्लाई जो बचे हुए एलिमेंट से उल्टे से। हमारे पास क्या आ जाएगा ए टू बी वन सी थ्री प्लस ए वन बी थ्री सी टू प्लस ए थ्री बी टू सी वन। सो ये हमारे पास आ गया इसकी वैल्यू और यही है हमारे पास इस डिटरमिनेंट की वैल्यू। सो इस लेक्चर को एंड करते करते हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन है तो इसे आपने नोट कर लिया होगा। लेक्चर को एंड करते करते हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन करेंगे। लिखो फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ गिवन डिटरमिनेंट। हमारे पास जो गिवन डिटरमिनेंट है वो हमारे पास क्या है, ये हमारे पास डिटरमिनेंट है, हमें इसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है। सो आप वीडियो को दो मिनट पॉज करो, इस क्वेश्चन को ट्राई करो, फिर हम आगे चलते हैं इसके सॉल्यूशन के साथ। सो इसका सॉल्यूशन आपने क्वेश्चन ट्राई कर लिया होगा वीडियो पॉज करके, अब हम आगे चलते हैं। सो वन वन माइनस थ्री साइन थीटा कॉस थीटा माइनस थ्री कॉस थीटा साइन थीटा माइनस थ्री कॉस थीटा, थ्री क्रॉस थ्री का डिटरमिनेंट सॉल्व करना हमने बता दिया आपको, वन प्लस के साथ साइन स्क्वायर थीटा माइनस वन। ये क्या आ जाएगा हमारे पास वन माइनस थ्री
साइन थीटा कॉस थीटा माइनस थ्री साइन थीटा कॉस थीटा प्लस में नाइन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा माइनस वन, प्लस वन से माइनस वन कैंसिल, ये बचा हमारे पास माइनस सिक्स साइन थीटा कॉस थीटा प्लस में इसको हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस एट कॉस स्क्वायर थीटा, ये कॉस स्क्वायर थीटा और ये साइन स्क्वायर थीटा मिला के हमारे पास बन गया वन प्लस एट कॉस स्क्वायर थीटा, ये हमारे पास बन गया वन माइनस इसको हम लिख सकते हैं थ्री इंटू टू साइन थीटा कॉस थीटा और इसे हम लिख सकते हैं एट कॉस स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं वन प्लस कॉस टू थीटा बाई टू, इस टू से ये एट जाएगा फोर टाइम्स वन माइनस थ्री इसको हम लिख सकते हैं साइन टू थीटा प्लस में फोर प्लस में कॉस टू थीटा, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी फोर प्लस वन हमारे पास बचा फाइव प्लस फोर कॉस टू थीटा माइनस थ्री साइन टू थीटा। अब हमने ट्रिग्नोमेट्री के अंदर पद रखा है, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर पद रखा है, अगर हमारे पास कुछ ऐसा दे रखा हो ए प्लस बी साइन थीटा प्लस सी कॉस थीटा तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी ए अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हमने ट्रिग्नोमेट्री के अंदर पद रखा है कि इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो क्या होगी ए प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सो इसी से हम इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या निकालेंगे, डेल्टा मैक्सिमम हमारे पास क्या आ जाएगी फाइव प्लस अंडर रूट फोर का स्क्वायर प्लस थ्री का स्क्वायर फाइव प्लस फाइव टेन। अब यहाँ पे जरूरी नहीं कि थीटा हो, यहाँ पे टू थीटा हो थ्री थीटा हो, हम इस एंगल को चेंज करके ए और बी लिख लेते हैं ताकि ज्यादा अच्छा लगे, बी और बी लिख लेते सॉरी दोनों एंगल सेम होने चाहिए, सो ए प्लस बी साइन बी प्लस सी साइन बी, यहाँ पास क्या देगा ए प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सो ये दोनों एंगल हमारे पास क्या होने चाहिए सेम होने चाहिए, ये एंगल हमारे पास कैसे होने चाहिए सेम होने चाहिए, सर इसकी डिटरमिनेंट की मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गई फाइव प्लस अंडर रूट थ्री स्क्वायर प्लस फोर स्क्वायर जो कि हमारे पास आ गई टेन। सो आज के लेक्चर को हम इतना ही रखते हैं और अगले लेक्चर में हम चलेंगे डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज पे और उसके बाद हम करेंगे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, दो लेक्चर तक हम जेई एडवांस लेवल के क्वेश्चंस भी करेंगे इस पे। सो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, आगे मिलते हैं आपसे।